तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिज़िक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए, सवाल क्या है पढ़िए बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ए बॉडी इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन, रेडियस ऑफ अपर बेस और बॉडीज आर नोट। ये जो बॉडी आपको दिख रहा है वाला फिगर में, वो एक इस तरह का एक शेप का है। सॉलिड रिवॉल्यूशन मैंने एक घुमाया गया है, रिवॉल्यूशन किया गया है, ठीक है ना। सॉलिड को घुमा दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। जैसे एक प्लेन लीजिए आप ऐसे, और ऐसे कोई प्लेन लीजिए ऐसे ऐसे, और इसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद आपको कुछ इस तरह का शेप दिखेगा ऐसे। तो कुछ इस तरह का एक बॉडी बनाया गया है कि एक सॉलिड लिया गया और उसको ऐसे घुमा दिया गया। रेडियस ऑफ अपर बेस ऑफ बॉडी इज आर नोट, यानी ऊपर वाला जो रेडियस दिया हुआ है वाला, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, दिस इज आर नोट। और एक द वॉल एंड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रो, मैंने इस बॉडी का डेंसिटी जो है सवाल में रो दिया हुआ है, हर जगह पर यूनिफॉर्म मानना है। द सॉलिड बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए लोड पी, मैंने ऊपर से एक लोड प्रोवाइड किया गया है सॉलिड बॉडी को, लेट्स पी, ठीक है। डिटरमाइन द रेडियस शुड वेरी विथ एल्टीट्यूड, मैंने इसका जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रेडियस लगातार बढ़ते जाएगा। यहाँ पे रेडियस कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस इस सॉलिड बॉडी का घूमते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सवाल है हमारा कि वही मैंने रेडियस किस तरह से एल्टीट्यूड के साथ वेरी कर रहा है, हमको बताना है। और इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि इन ऑर्डर दैट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी कॉन्स्टेंट। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो है आपको कॉन्स्टेंट मानना है हर जगह पे, इस सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो आराम से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, चलिए बनाते हैं इसको, बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ से वाई हाइट नीचे आएंगे ऐसे, और एक छोटा सा कट लगाएंगे इसे ऐसे। एक कट करने से काम नहीं बनेगा, तो एक छोटा सा और कट करेंगे इसे, ठीक है। एक और कट करेंगे, और देखिए ध्यान से कि ये जो हम कट किए हैं इतना दूर आकर, हम बताना है कि ये जो वाई हाइट पे किस तरह से वेरी करने वाला है रेडियस, ये वाला रेडियस हमको बताना है कि आर जो है हमको बताना है फंक्शन ऑफ वाई, कि आर जो है वाई के किस तरह से फंक्शन है, किस तरह से वेरी कर रहा है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। जो सवाल में दिया हुआ है वही यूज करिए। तो सबसे पहले अगर हम इसको बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि अगर ए वाला जो कट हम किए हैं, ए वाला ऐसे छोटा सा पार्ट कट किए हैं ऐसे, एक तरह का ही गोल होगा सर्कल की तरह। इसका रेडियस को मान लेते हैं ऊपर वाला रेडियस को आर, तो ऊपर कुछ एरिया होगा, लेट्स उसका एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ एरिया चेंज हो जाएगा, तो नीचे वाला एरिया को हम लिख देते हैं ए प्लस डी ए। अब देखिए, सबसे पहले अगर अगर हम आपसे पूछें कि इस वाले पर ऊपर वाले जो सरफेस है उस पर स्ट्रेस कितना है, ऊपर वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे स्ट्रेस कितना है ये बताइए। तो इस वाले सरफेस पे स्ट्रेस निकालने के लिए देखिए ध्यान से, हम तरीका बताते हैं कि ऊपर वाला का जितना मास है, लेट्स ए वाला जितना मास है हमारा, ऊपर वाला का मास, लेट्स एम जी, ठीक है, ऊपर वाला का वेट डब्ल्यू, ऊपर वाला जितना रखा हुआ है सॉलिड इसके ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर जो ब्लू कलर से हम सेट कर रहे हैं ऐसे, उसका मास, तो उसका वेट होगा एक डब्ल्यू, या उसका वेट लिख सकते हैं एम इंटू जी। और एक साथ ही साथ एक प्रेशर लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ, वो है प्लस पी, प्रेशर प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है, प्रेशर प्लस डब्ल्यू, ऊपर वाला का वेट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। यही जो है इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से इसका शेप साइज ज्योमेट्री क्या होगा, चेंज होगा। इसे छोटा सा जो स्ट्रिप कट किए हैं वाला, इस वाले का, इसका शेप साइज ज्योमेट्री क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि एक कितना शेप साइज ज्योमेट्री चेंज होगा, उसके लिए हम स्ट्रेस डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रेस कितना होगा, तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है, लेट्स यहाँ पर इस वाले सरफेस पर स्ट्रेस लिख देते हैं सिग्मा, सिग्मा सिग्मा क्या होगा, तो ये जो सिग्मा होगा ये यहाँ पर, वो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, इस वाले सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, पी और प्लस डब्ल्यू,
P+W, क्योंकि P से खुद हम इसको कंप्रेस कर रहे थे, ठीक है, और वेट है इस ऑब्जेक्ट का इतना दूर का जो सॉलिड है उसका खुद का, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है एग्जैक्टली बराबर होगा P+W के ऊपर की तरफ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को मान लेते हैं A, ठीक है, A ये आके मेरे पास। उसी तरह अगर नीचे वाले को देखा जाए, नीचे वाले सरफेस को, तो नीचे वाले सरफेस में क्या है दिक्कत, देखिएगा समझिएगा, नीचे वाले सरफेस में क्या दिक्कत है कि नीचे वाले सरफेस पे कौन कौन सा वेट है। तो देखिए नीचे वाले सरफेस पे P तो है ही, W तो है ही, और साथ ही साथ इसका कुछ मास होगा, ठीक है, इसका भी कुछ मास होगा, लेट्स इसका मास है DM, तो इसका भी खुद का वेट होगा इतना दूर का, तो इस नीचे वाले सरफेस पे वेट होगा DW, ठीक है, ऊपर वाला जितना भी सॉलिड है इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर जितने भी सॉलिड्स हैं इसके कारण वेट, तो W प्लस ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई किए P, और प्लस इसके कारण ये जो सरफेस है जो इतना दूर मटेरियल हम कट किए हैं उसके कारण छोटा सा वेट होगा DW, ठीक है। तो नीचे वाले पे स्ट्रेस जो क्रिएट होगा वो होगा हमारे पास सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ही, क्यों, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है, हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सिग्मा को सेम एज्यूम करना है, लिखें कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी कॉन्स्टेंट, यानी हर जगह पे मानना है सेम है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो स्ट्रेस होगा और इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो स्ट्रेस होगा एग्जैक्टली सेम मानना है। तो इस वाले पर कितना होगा, तो फोर्स कितना है, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा P+W+DW बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस वाले के क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A+DA, छोटा सा चेंजिंग आया ऊपर से नीचे आए तो थोड़ा एरिया बढ़ गया, तो अब एग्जैक्टली सेम है, तो इसको हम इक्वल के बाद इक्वल करेंगे, तो P+W/A बराबर P+W+DW बाई कितना, P+DA, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, A+DA मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा P×A+W×DA बराबर, यहाँ पे होगा P×A+W×A प्लस A×DW, ठीक है, DW, यहाँ पर और भी मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, इधर वाला में पूरी नहीं मल्टीप्लाई कर पाए, P×A+W×DA+W×DA+W×A+P×DA, अब पूरी तरह मल्टीप्लाई हो गया बराबर P×A+W×A+DW×A, अब कुछ कट कुट होगा जैसे DW×A तो कट नहीं होगा, W×A W×A कैंसिल, P×A P×A कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास बन गया यहाँ पे कि W×DA और P×DA, तो DA कॉमन हो गया तो बन गया W+P बराबर, इसमें कितना कॉमन है, DW×A, तो यहाँ पर आपको आगे मेरे पास DA/DW बराबर A/W+P। अब देखिए A/W+P, देखिए W+P/A कितना है, सिग्मा है, तो इसका मतलब हो गया 1/σ के बराबर आ गया, ठीक है, 1/σ। अब देखिए ध्यान से कि 1/σ के बराबर आ गया मेरे पास ए वाला, अब हमको काम है कि इसका DA और DW लिखना, DA और DW कितना है, तो सारा का सारा जो है सिग्मा तो कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि DA/DW इक्वल टू 1/σ। अब DA कितना होगा, तो DA आप निकाल सकते हैं कितना होगा, देखिए छोटा सा एरिया कितना चेंज होगा, तो पहले जो है एरिया है πr², तो DA कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो πr² × 2r × r/dr, ये हो गया मेरे पास DA, तो यहाँ पे DA के जगह पे रखेंगे और DW के जगह पर भी निकाल सकते हैं इसका वेट, इसका वेट कितना होगा, तो वेट हो जाएगा मेरे पास बता रहे हैं DA के जगह पे 2πr×dr बाई DW, उस छोटे से का वेट, वेट कितना होगा, DM×G होगा, DM×G बराबर 1/σ, तो 2πr×dr/DM, DM की जगह पर ρ × इसकी डेंसिटी, मतलब इसकी डेंसिटी ये वाला जो छोटा सा स्ट्रिप कट किए हैं उसकी डेंसिटी ρ × वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा कितना, वॉल्यूम होगा ρ × वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा क्या इसका, Area × Thickness। देखिए यहाँ से वाई हाइट आके जो थिकनेस कट किए थे उसका थिकनेस कितना था, DY, और ई वाला सरफेस एरिया हमारा A, तो अगर हम सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा,
तो ए हो गया मेरे पास रो इंटू ए इंटू डी वाई, ठीक है, इंटू जी बराबर 1/सिग्मा। तो यहाँ से कुछ कुछ कट होने वाला है, एक जगह पे आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, जो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू जी बराबर 1/सिग्मा। तो एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पे पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू DR बराबर रो रो इंटू जी बाई सिग्मा इंटू डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर छूट गया नीचे लिखने के लिए, ठीक है। 2 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है, आर, अब यहाँ पे वेरिएबल है वाई, यही तो हम कर निकालना था, कोई भी आर जो है रेडियस वो फंक्शन है वाई का, उसका निकालना था किस फॉर्मेट में है जी। जब वाई का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो रेडियस कितना है, आर नॉट के बराबर। तो वाई का वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पर वाई का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो रेडियस किसके बराबर है, आर नॉट के, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है, वाई जो है वाई हो गया, तो रेडियस जो है आर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हाइट जो है वाई हो गया, तो रेडियस यहाँ पे मान लीजिए कितना हो गया, आर। यही हमको आर निकालना है फंक्शन ऑफ वाई। तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कितना होता है, LnR, ठीक है, आर नोट से आर तक बराबर। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो रो जी बाई 2 सिग्मा इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा, कितना से कितना, 0 से लेके वाई। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास लॉन आर माइनस लॉन आर नोट बराबर रो इंटू सिग्मा, कहाँ से आ गया, रो इंटू जी होना चाहिए, रो इंटू जी, तो रो इंटू जी बाई 2 सिग्मा इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉन आर बाई आर नोट बराबर रो जी वाई बाई 2 सिग्मा। तो यहाँ पे आर बाई आर नोट बराबर ई टू द पावर रो जी वाई बाई 2 सिग्मा। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ गया आर नोट इंटू ई का पावर रो जी वाई बाई 2 सिग्मा, ये आ गया रो। लेकिन ई जो आर है वाई के फंक्शन में तो आया है हमारा, लेकिन हमारा सिग्मा सवाल में नहीं दिया था, तो हम सिग्मा जो है निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए सिग्मा जो है, सिग्मा वो हर जगह पे सेम है, तो हर सिग्मा हर जगह पे सेम है, तो इस वाले जगह पे भी सिग्मा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिग्मा आप निकाल सकते हैं, आर नॉट रेडियस, तो यहाँ पे तो ग्रेविटी का वेट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पी है। यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा कितना, सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स पी, जितना प्रेशर यहाँ पे लगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग जाएगा भाई। यहाँ का एरिया है पाई आर नोड स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे सिग्मा की जगह पे आप यहाँ यूज कर सकते हैं, तो जैसे ही आर इक्वल टू हो जाएगा आर नोड ई का पावर रो जी बाई बाई 2 सिग्मा की जगह पर पी बाई पाई आर नोड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास आर नोड ई का पावर रो जी बाई पाई हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई आर नोड स्क्वायर बाई 2 पी, ठीक है। और इस तरह से जो है प्रेशर वेरी करेगा, सॉरी, इस तरह से रेडियस जो है एल्टीट्यूड के साथ वेरी करेगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।